अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भारतीय मीडिया बहुत ही शालीन मीडिया है, आप तो जानते ही हैं। ये मीडिया जो है, अभी एक फाइजर कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू वायरल हुआ, तो उसको तो चलाने में इतनी दिलचस्पी दिखा दी कि सारे मीडिया वाले करने लगे कि देखिए मोदी जी ने फाइजर को एंट्री नहीं दिया, और केजरीवाल, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम जैसे लोग जो हैं, अहुआ मोहित्रा जैसे लोग जो हैं, वो फाइजर की एक प्रकार से दलाली कर रहे थे। मैं भी मानता हूं दलाली कर रहे थे, हम कहां इससे पीछे हट रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि हमारे जो देश के जो दलाल थे, आधार पूनावाला जैसे लोग, उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी डॉक्टर तरुण? और क्या आपकी बिरादरी के लोग इस बात को अब मान रहे हैं कि बहुत बहुत बड़ा घपला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है ये? हाँ, काफी डॉक्टर्स अब मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल ठीक जो तुम कह रहे थे वही बात साबित हो रही है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत बड़ा घोटाला था। और आप बात कर रहे हैं कि अलग अलग कंपनी की, चाहे वो फाइजर हो चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट हो, किसी भी इंस्टीट्यूट के पास में वैक्सीन जो बनाने का अल्टीमेट जो सर्टिफिकेट है, अल्टीमेट जो अधिकार है, वो विकसित देशों के पास है, चाहे वो अमेरिका के पास होगा चाहे इंग्लैंड के पास होगा, इन दो तीन देशों के पास घूम फिर के वो अधिकार होता है, पेटेंट इन्हीं के नाम पर होता है। सीरम इंस्टीट्यूट भी होता है तो किसी के पेटेंट पर काम करता है, अब केवल पैकेजिंग वगैरह करता है। अल्टीमेटली तो जो बेनिफिट होता है या तो वो इंग्लैंड को जाएगा या अमेरिका को जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे अमेरिका हो, दोनों एक ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है, कहने के लिए दो अलग अलग देश है। तो चाहे वो फाइजर की वैक्सीन हो चाहे किसी और कंपनी की वैक्सीन हो, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट के नाम से ही क्यों नहीं हो, अल्टीमेटली ये सब के सब, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे वो कांग्रेस के वाले हो, ये सब के सब दलाल बने हुए हैं और दलाल बन के देश की जनता को ये लूटने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर तरुण, आखिर में मैं आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूं कि अब तो पूरे कुएं में भांग पड़ा हुआ है और इस कुएं के भांग, इस पानी को लोगों ने पी भी लिया है, लेकिन धीरे धीरे लगता है कि नशा अब खत्म हो रहा है। तो डॉक्टर तरुण, अब आपको लग रहा है कि कोई नई क्रांति तात्या टोपे जैसे और वीर कुंवर सिंह जैसे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे, भगत सिंह जैसे और बोस जैसे लोग फिर से दोबारा आएंगे, क्या हमारी पीढ़ी देख पाएगी? क्योंकि तात्या टोपे का तो हिसाब करना अभी बाकी है। हम लोग हिंदू लोग हैं और हम लोग जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हमारा मानना है कि भाई जो व्यक्ति होता है कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी आत्मा जीवित होती है, आत्मा कहीं नहीं कहीं किसी किसी रूप के अंदर आती रहती। तो देश के अंदर कभी भी किसी भी समय क्रांतिकारी की कमी नहीं रहेगी, एक जाएगा दूसरा आएगा, ये एक नेचर है प्रकृति का। तो देश इस समय तैयार हो चुका है, जनता को भी बात समझ में आ चुकी है, धीरे धीरे चाहे जिस प्रकार से आप लेना चाहें, लेकिन एक बहुत बड़ी क्रांति अंडर करेंट देश के अंदर बह रही है और पता नहीं कब कौन सी ज्वाला कहां फूट पड़े, पता नहीं कब कौन सी कहां आग लग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कुछ हुआ या बहुत जल्दी निकट भविष्य में होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में मुझे थोड़ी उम्मीद है, मुझे लगता है कि देश के अंदर लोग जो क्रांतिकारी है वो भी आएंगे और देश की जनता भी उनका साथ देगी और वापस ये जितने भी जो एजेंडे चल रहे हैं इनके, ये सब के सब धराशायी होंगे, ये सब के सब हारेंगे और अल्टीमेटली हम लोग जीतेंगे और देश के अंदर पुनः एक अच्छा शासन हम लाने में सफल रहेंगे।